अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इब्रार और मैं आज नर मोहम्मद के साथ आया हूं हन्ना झील में और आपको इसकी रोड की वीडियो भी दिखाएंगे हम लोग और आज इसकी हिस्ट्री और थोड़ा कुछ इसमें मालूम आपको देंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? मैं ठीक हूं। मेरे साथ आज इब्रार आया है और हन्ना झील यहां पर संडे का दिन था तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना एक ऐसा जगह जाए जहाँ पर पानी भी हो रख भी हो और पिकनिक का अच्छी जगह हो। यहाँ पर आए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे झूले वगैरह भी और यहाँ पर जो है इसका ख़ास चीज़ जो है इसमें मौसम भी अच्छा है, अच्छी जगह भी है। और जी आप क्या कहना चाहते हो पहाड़ के बारे में, पानी के बारे में? जी देखेंगे फिर बताएंगे सबको।
लोग आ सकते हो, आ जाओ इंजॉय करो। बहुत ही नज़दीक है, आधा घंटे का रास्ता है। हम लोगों ने तो वहाँ गए इधर पधर हो रहे हैं। सरियाब क्या है? अच्छा वैसे सरियाब क्यों बंधा हमें पता नहीं, पता करो ना। या जब मेरा गया तो किसी ने बोला आप सरियाब क्यों, ये क्यों, किसने बोला? किसी बंदे ने बोला यहाँ पे, उसको लाओ इधर। न्यूज में क्या ऐसा है जिससे मुझे पहचाना जा सकता है कि मैं सरियाब रुक हूँ? मशहूर हो इस वजह से ना टिकटॉक पर। हाय इब्रार, कैसे हो? जी ठीक। बहुत ठीक हो या कम ठीक हो? बस गुजारा। इंग्लिश में हन्ना लेक बोलते हैं, उर्दू में क्या बोलते हैं? उर्दू में कुछ भी बोलते हैं। अच्छा तो ये कैसा जगह है? अच्छा है। बहुत अच्छा है, कम अच्छा है? ठीक है। मतलब कैसा ठीक है? ठीक तो सब है। ये कैसा ठीक है? अच्छा जगह है। कैसा अच्छा जगह है? कोई भी नहीं नजर नहीं आ रहा है। क्या क्या ये इतने लोग किधर है? ये तो तीन बंदे आ रहे हैं बस, इसके पीछे भी देखो, इसके पीछे दो बंदे बस, और अपने पीछे देखो जरा, वो एक बाइक वाला आ रहा है और बस, और यहाँ पर कोई भी नहीं है। आएंगे सब। कब आएंगे? आगे जाएंगे। जी तो हम लोग खैर से पहुंच गए हैं नजील, बहुत मज़ा आ रहा है। अभी तो इधर बैठे हुए थोड़ा एंजॉय के लिए, रेस्ट के लिए, थोड़ा बारबेक्यू तो इंशाल्लाह खाएंगे और तसल्ली से खाएंगे। यहाँ पर माशा बिल्कुल सच्चा हवा चल रहा है जी, जबरदस्ती ये हन्ना जील है। मौसम कैसा है? मौसम तो मैंने बहुत इंजॉय किया, देखो कैसा अच्छी हवा चल रही है। हाँ ऐसे अच्छे से बैठा हुआ जैसे जन्नत में बैठा। गर्मी ज़्यादा था रास्ते में या कम था? गर्मी तो बहुत ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा था, ये तो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। इधर सर्दी में ठीक है या गर्मी में आना ठीक है? गर्मी में आना ठीक है, सर्दी में बंदा क्या करेगा? हाँ गर्मी में बंदा आ जाए थोड़ा इंजॉय करे। हाँ पानी भी अपने को पीएंगे। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो? ठीक हो? आज हम लोग आए हैं हन्ना जील, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत सारे आए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं इंजॉय के लिए। देखो यहाँ का पानी जो है माशाल्लाह बहुत ही साफ पानी है, आप भी यहाँ जाए इंजॉय करें। आपको कैसा लगा इलाका? मैं तो यहाँ पर आया आज, मैं तो कई दफ़ा आया हूँ, आज मेरा आपके साथ आया हूँ पहली दफ़ा आपके साथ जी। आपका पहली दफ़ा है तो आप बोले कुछ व्यूअर्स को दिखाएं और बोले कि कैसा जगह है, कैसा है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है लेकिन बोलान इससे ज़्यादा अच्छा था। नहीं मैं बोलान को इतना ख़ास सो नहीं देता, लेकिन बोलान में कई बार गया हूँ, बोलान में खास जगह नहीं, अच्छा जगह है। ये भी काफ़ी अच्छा है, आप मेरे बैकग्राउंड से देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत दूर दूर जगह से आते हैं, मिसाल के तौर पर सयाबों से आते हैं, खुजदार से आते हैं, और सेटेलाइटों से आते हैं, पश्चिमाबाद से आते हैं, बहुत सारे लोगों से यहाँ पर आते हैं लोग। यहाँ पर वहाँ दरख्त के साए में भी बैठते हैं कोई, वो वहाँ पर जी वहाँ पर फैमिली वगैरह भी है। तो यहाँ पर पानी कितना होगा आपके हिसाब से इस झील में? पानी का तो बहुत ही मुश्किल है, पानी यहाँ से लेके वहाँ पर जो डक वगैरह है जी, यहाँ से लेके वहाँ तक तो पानी कम है, उसके बाद जो है अंदर बहुत गहरा है,
ये कुदरती है या खुद बनाया हुआ है? ना बाबा, ये तो कुदरती है, अल्लाह ने बनाया है। नहीं, ये झील खुद बना हुआ है या कुदरती है? ये तो कुदरती है, यहाँ पर पानी जमा होते है बस। और सर्दी में यहाँ पर क्या माहौल होता है इसका? सर्दी में तो यहाँ पर कोई नहीं है। क्या वजह, इसकी वजह क्या है? तो ये है, सर्दी में बंदा क्या करेगा जिसमें सर्दी। हाँ, तो खुद से सर्दी है और यहाँ का पानी जो है। हाँ, पानी तो मौसम को बटन करता है, और यहाँ पर दरख्त वगैरह भी है। हाँ, वो भी जो है सर्दी में बहुत ठंड है। तो बुलान अच्छा लगा या ये वाली जगह अच्छी लगी? मुझे तो ये जगह बहुत ही प्यारी लगती है। क्या वजह थी इसकी? वजह तो इसमें यह है कि इसमें पानी है। हाँ, वहाँ पर भी पानी था, साफ पानी था। यहाँ पर दरख्त भी है, वहाँ पर भी थे। वहाँ पर दरख्त नहीं था, एक दर भी दरख्त नहीं वहाँ पे। वहाँ पे खजूर के थे, वहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हो, हालांकि आप व्यूअर्स को दिखा सकते हो कि यहाँ पे दरख्त है और साया भी है। हाँ, साये के नीचे आप बैठ सकते हो, अपना खाना वगैरह खा सकते हो। आज क्या खाया आप? बारबेक्यू वगैरह। बारबेक्यू था, कढ़ाई था, अच्छा था। कबाब कैसे थे? और आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे, ये जो लोग गन फेंक रहे हैं यहाँ पर आकर? या फिर जो भी गन वगैरह फेंकते हैं उन पर शेम करना चाहता हूँ, लानत भेजो उन पर। लानत भेजता हूँ उन लोगों पर, ऊंचा बोल के लानत भेजो। लानत भेजता हूँ। देखो माशाल्लाह, अच्छा सा बच्चा, छोटा बच्चा है, वो बड़ा भी बैठा। बड़ा चोर कर रहा है। माहौल को किसने गंदा किया हुआ है, आप क्या समझते हो? माहौल को ये लगड़ी लोगों ने गंदा किया हुआ है। लगड़ी लोग जो थे बस यहाँ पर गन फेंकते। आपने देखा मछलियाँ भी मरी हुई थी, ये सारे गन की वजह से मर गई है बेचारे। हाँ, इनको खुराक भी ठीक से नहीं मिल रहा है। हाँ, और यहाँ पर कचरा बहुत फेंक रहे हैं, कचरा बहुत फेंक रहे हैं पानी में, बहुत ज्यादा कचरा फेंक रहे हैं। हाँ, बदतमीज लोग यहाँ पर आते है, तमीज नहीं है लोगों का। अच्छा इब्राहिम, तो ये कैसा रहा आपका पिकनिक? मेरी पिकनिक तो बहुत अच्छी रही है। मास्क के लिए तो माशाल्लाह इन लोगों ने कारोबार बनाया है कि मास्क पहनो और सफाई का खुद ख्याल नहीं रखते। हाँ, इसी तरह लोगों को कहना चाहिए भाई अपने साथ कोई बास्केट लेकर जाओ ना। हाँ, ये आप गन वगैरह है तो आप प्लास्टिक पे फेंको बजाय के पानी में फेंकते हो। हाँ, नहीं पानी में फिर जो है ना मछलियाँ मर रही है। अभी देखो अपने 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 आंखों से देखा कितनी मछलियाँ मर गई थी, किस तरह मर जाती है, इसकी वजह क्या है? पोल्यूशन की वजह से। तो कैसा पोल्यूशन की वजह से? गंद की वजह से। हाँ, गंद की वजह से भी इसमें प्लास्टिक वगैरह फेंकते हैं। हम लोग जा रहे हैं थोड़ा आगे, पानी का व्यू जो है बहुत ही अच्छा आएगा मुझे। अच्छा जी, हम लोग जा रहे हैं तंग गलियों से। ये पाइप किस चीज़ का है? पाइप पानी का होगा। पानी जा किधर रहा है पाइप से? पानी जा रहा है, पानी जा नहीं रहा है। हाँ, पानी इस तरफ जा रहा है। अच्छा, इस तरफ से आ रहा है पानी। ये इस झील से निकाल रहे हैं पानी इस पाइप से। जी जी। इसमें तकरीबन 32 लाख लीटर पानी है, ऐसे ही है। ये काम किस चीज़ के आता है फिर? ये बस आर्मी की गाड़ियाँ धोने के लिए। अच्छा, और हमारे पास गाड़ी वगैरह के लिए। अच्छा, ये आगे अब मेन की जाओ। बैग में क्या बम वगैरह कैसे? बम लाया मैंने,
लाल मोहम्मद तबलीग पर जा रहे लाल मोहम्मद तबलीग पर जा रहे सही माना तबलीगों पर किसी लाल मोहम्मद तबलीग पर जा रहे बना बना वीडियो बना लाल मोहम्मद यार अबल भाई ने निशा कौन कोई कुशमा पर जा रहा किधर अबल भाई डियर शकन देखो हां गर्द और कुर्ग सुने नहीं माँ उठी सोच वाले जोड़े को द जंत्र मख जोड़ो बस मैं दरोजे थम के जोड़ो देशो ना जी फ्रेंड्स हम लोग अभी घूम फिर के और उसका विजिट किया है और अभी हम लोग जा रहे हैं मैंने तो एंजॉय किया अच्छा वो लड़ाई किया मछलियाँ को पकड़ लिया फिर छोड़ गाना खा लिया और पानी में भी गया और क्या किया मैंने और दरख्त के साया पर बैठ गया अच्छा बहुत एंजॉय किया वो क्या अगर उर्दू वाले हैं उर्दू में बोलता हूँ अगर पश्तो वाले तो पश्तो में बोलता हूँ ये वीडियो जैसा भी है ख़राब है सही है शेयर करो लाइक करो ठीक है आपका बहुत मेहरबानी होएगा अगर लाइक नहीं किया शेयर नहीं किया फिर तुम्हारा खैर नहीं है अभी पश्तो में बोल रहे हैं वीडियो से जान पर शेयर की लाइक की नकर लाइक और शेयर में नकर हम खैर नस्ता समझा सब मखलास करो से खलास कि दखल दखलास कर मैं रोशिवा द इब्रार सरा देर स्टडिया और रोज फन ने ओके लश फन ने ओके देर फन ने भी करी करासी दे से तो मैं राजी सम दे तो लाफिशा गुजरा लो खुदर पदर फालतू जले रबर जायस शरी Bueno, yo creo que nos dejé de hacer la parte de la chasa de curva. ¿Sí?